हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है, बट यहाँ पे सबसे एक मेजर प्रॉब्लम सामने निकल के ये आ रहा है कि स्टूडेंट जब फिल करने जा रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। कोई स्टूडेंट मान लीजिए कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं एंड वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है। कोई इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो आखिर ये है क्या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, ये आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले फ्रेंड। तो स्वागत है फ्रेंड आप सभी का अपना स्टडी टेक यूट्यूब चैनल पे। माई नेम इज जंशिका। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करें वीडियो को फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट यहाँ पे आपको बता दें कि जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट सिर्फ 2023 सेशन के होने चाहिए। 2023 के अगर पहले के वो हैं, 2000 मान लीजिए 2022 के हैं, अगर 2021 के हैं तो वो स्टूडेंट इस कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते। और वो अगर मान लीजिए सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो उनको वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर देगा। बिकॉज सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में वहाँ पे आउट किया था, उसमें बता दिया है कंपार्टमेंट का फॉर्म सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे 2023 में पास हो चुके हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का बात करें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सीबीएसई ने 2023 के ही बच्चों का यहाँ पे लिया है कि 2023 के स्टूडेंट ही वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और उससे पहले के जो है वो फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप अभी भी अपना मार्क्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हो और आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है फ्रेंड। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, ये जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट का कैटेगरी दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। पता है ना इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, जो अपने एग्जाम में पास हो, सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। एंड एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं, 2022 एंड 2023 के स्टूडेंट वहां पे एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप 2022 की कैटेगरी से आ रहे हो या फिर 23 के, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट का यहाँ पे चूज कर सकते हो और यहाँ पे जाके अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो नहीं करेगा और आपका जिस भी सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा वहां पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको फिल करने की जरूरत नहीं, खुद पर खुद सामने आ जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। और अगर वहां भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपका नाम, फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने ये बचता है फ्रेंड, देखो, फेलवर का। आपको इस कैटेगरी से जाके एग्जामिनेशन अपना देना होगा, ना आप कंपार्टमेंट दे पा रहे हो ना इम्प्रूवमेंट एडिशनल, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास इस फेलवर का बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए अपना कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में दे चुके हैं और वो अपने कंपार्टमेंट में पास भी हो चुके हैं, बट वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो फिर से इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे। बट जैसे ही वो इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे अपना रोल नंबर, अपना स्कूल नंबर और ये सब डालते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंटर नंबर एंड प्रोसीड करते हैं, तो अगेन उनको वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वो तो पास हो चुके हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट का तो मौका मिलना चाहिए ना, अगर वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड कि जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट दे दिए ना, वो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो पास हो चुके हैं। बट आप तो बोल रहे हो कि आप पास हो चुके हो कंपार्टमेंट में, बट शर्त ये है कि आपके रिजल्ट में ये 4x होना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट का जिस भी सब्जेक्ट में आपने रिजल्ट दिया है, अगर वहां पे ये 4x आ रहा है, फिर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये 4x आपके रिजल्ट में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड आपको जो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इस वीडियो से शायद आपको कुछ हेल्प हुआ हो। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हुआ है फ्रेंड्स, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट करना।